काली किलकिली फट स्वाहा। ओम क्रीं फीं छीं ह्रीं प्रेम प्रेम ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। आज आप माता काली का एक दिव्य मंत्र है, चंड मंत्र है, उग्र मंत्र है और खासकर बुंदेलखंडी देशी शावर मंत्र है, उसी का विधि विधान आप जानने वाले हैं। माता काली का यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है। जिस व्यक्ति के पास यह मंत्र होता है वह सभी प्रकार के भूत प्रेत डायन डाकनी शाकनी पिशाचनी मरघट के मशान जैसी बाधाओं को तुरंत ही पकड़कर मारकर भस्म कर सकता है और ये बाधाएं हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। कहा जाए तो इन बाधाओं से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ये तो भूत प्रेत वाली बात हो गई, जो आम बात हो गई। यह मंत्र शत्रु की आवरदा खाने के लिए जाना जाता है, मतलब शत्रु की आयु खाने के लिए जाना जाता है, शत्रु की बुद्धि विकृत करने के लिए जाना जाता है, मतलब शत्रु को पागल बनाने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यह शत्रु का सब कुछ बर्बाद कर देने वाला मंत्र भी होता है। मंत्रों का प्रयोग देखिए हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम मंत्र का अच्छे कार्य में प्रयोग करेंगे या बुरे कार्य में प्रयोग करेंगे। जिस हिसाब से हम मंत्र का प्रयोग करने लगते हैं उसी हिसाब से मंत्र कार्य भी करने लगते हैं। यदि हम बुरा करते हैं मंत्रों के जरिए तो उसका हमें दंड मिलता है, और हम मंत्र का परोपकार में प्रयोग करते हैं तो मंत्र की शक्ति बढ़ती रहती है, और एक समय ऐसा आता है कि मंत्र की शक्ति तो बढ़ ही जाती है, माता काली की यानी मंत्र के इष्ट की भी हमारे ऊपर विशेष कृपा मिल जाती है और हमारी पीढ़ी दसों पीढ़ियाँ तक इस मंत्र के प्रभाव से कभी भी बुरी बाधा की चपेट में नहीं आती। मंत्र जब हम सिद्ध करते हैं तो मंत्र हमारे लिए बस नहीं सिद्ध होता, हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के लिए भी सिद्ध हो जाता है। और खासकर बुंदेली शावर मंत्र और बुंदेली देशी मंत्र जो होते हैं इनकी शक्ति तो ऐसी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप ही यह पहुँचती रहती है। भले हम बच्चों को मंत्र ना बता पाएं लेकिन मंत्र की शक्ति बच्चों में पहुँच ही जाती है, और बच्चे को पता भी नहीं रहता कि इस शक्ति का हम कैसे इस्तेमाल करें, लेकिन उनके हाथों अपने आप ही वह शक्ति कार्य करने लगती है, वो भी बिना मंत्र के। बुंदेलखंडी जो मंत्र होते हैं सब मंत्रों की देखिए अलग अलग खासियत होती है। यह माता काली का बड़ा ही दिव्य मंत्र है। जो व्यक्ति इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है समझ लो उसे और अन्य किसी मंत्र की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती कि वो सिद्ध करे। हाँ दूसरे ऐसे अन्य कार्य हैं उनको कर सकता है, लेकिन देखिए मंत्र यदि एक भी हमें कायदे से सिद्ध हो जाता है और मंत्र में हमें प्रतीक्षीकरण हो जाता है किसी भी मंत्र में, चाहे वह भूत का हो, प्रेत का हो, डाकनी का हो, शाकनी का हो, यक्षिणी का हो, देवी का हो, देवता का हो, किसी का भी मंत्र हो, यदि प्रतीक्षीकरण प्राप्त हुआ है और सकारात्मक प्रतीक्षीकरण प्राप्त हुआ है तो समझ लो फिर हमें और अन्य किसी मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भूत प्रेत की सिद्धियाँ दो प्रकार की होती हैं, डाकनी शाकनी की सिद्धियाँ भी दो प्रकार की होती हैं, एक सकारात्मक सिद्धि एक नकारात्मक सिद्धि। वो साधक की मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है कि भूत से वह परोपकार में कार्य करवाएगा या डाकनी शाकनी से परोपकार में उसका कार्य करवाएगा, अच्छे कार्य करवाएगा या इनका दुरुपयोग करेगा। जब दुरुपयोग आदमी करता है तो उसकी क्रियाएँ बिगड़ जाती हैं, पूरा जीवन नरक में चला जाता है, फिर उसका तोड़ कभी नहीं मिल पाता। जिनकी क्रियाएं बिगड़ती हैं समझ लो उनका जिंदगी में कभी भी तोड़ नहीं मिल पाता। ऐसा अनजाने में होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं मंत्र तो देख लेते हैं कि इस मंत्र से ऐसा हो जाएगा, हमारा शत्रु का नाश हो जाएगा, हम करोड़पति बन जाएंगे, हम किसी को बस में कर लेंगे, हम अपने शत्रु का नुकसान करने लगेंगे। इस चक्कर में लोग मंत्र सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, और जब प्रयास करते हैं तो उसका फिर वो दुरुपयोग भी करते हैं, और दुरुपयोग करते समय यदि आपकी विधि में कहीं ना कहीं त्रुटि हुई, मंत्र में कहीं त्रुटि हुई, आपकी शक्ति विकृत हुई, तो उस समय उस मंत्र की ही क्रिया बिगड़ जाती है, जिसके कारण हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। फिर हम सिर्फ जीवन में परेशान रहते हैं तरह तरह के रोगों से, तरह तरह की बाधाओं से। जब क्रिया बिगड़ती है तो समझ लो हमारे कुल पितरों तक की क्रिया बिगड़ जाती है, और फिर इस बात को संभालना थोड़ा सा सबके बस की बात नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि हम आपको यह बात बता रहे हैं तो हम संभाल ही लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं कि संभालना मुश्किल ही होता, क्या नामुमकिन हो जाता है, सिर्फ इंसान भटक सकता है, परेशान हो सकता है, उसे उपाय कहीं नहीं मिलता। तो मंत्र को जब आप सिद्ध किया करिए तो गुरु के सानिध्य में सिद्ध किया करिए, गुरु से पूरी जानकारी लिया करिए। जरूरी नहीं है कि आप हमारे मंत्र की, हम अपने मंत्र की बात कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति से आप मंत्र लें या कहीं भी मंत्र देखें तो उसकी छानबीन करें, उसकी पूरी जानकारी लें कि उससे आपका हित होगा, आने होगा भविष्य में और बच्चों में, आने वाली पीढ़ियों में इस मंत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब आपको लगे कि इस मंत्र से कभी भी हमें
कष्ट झेलना पड़ सकता है, तो ऐसे मंत्रों को सिद्ध नहीं किया करिए। या धोखे से मंत्र सिद्ध करने बैठ भी गए हैं तो निश्चित बना लीजिए कि इस मंत्र का सक्षम परोपकार में, अच्छाई में प्रयोग करेंगे, दूसरों के कष्टों को हरण करने में प्रयोग करेंगे। इस मंत्र से कभी भी हम किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं करेंगे, तो अच्छी से अच्छी बिगड़ी हुई क्रियाएँ भी बनने लगती हैं। जब आप लगातार परोपकार करेंगे, अच्छाई में मंत्रों का प्रयोग करेंगे, तो मंत्र का इष्ट भले निकृष्ट सही, भले नकारात्मक ऊर्जा वाला इष्ट सही, लेकिन जब आप परोपकार उस मंत्र से ज़्यादा करेंगे, अच्छाई करेंगे, तो उसे जो इष्ट है नकारात्मक ऊर्जा का इष्ट भी सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाता है। वो तो आपको देखना है कि आपको क्या करना है। चलिए मंत्र को हम आपको श्रवण कराएंगे और फिर इस मंत्र की हम आपको विधि बताएंगे, ठीक है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। मंत्र इसके पहले वाला वीडियो, जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इससे रिलीज होने से पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, तो इस मंत्र का 108 बार आपको श्रवण भी उपलब्ध होगा और स्क्रीन पर लेखन भी उपलब्ध हो जाएगा। और प्रयास आप ये किया करिए कि स्क्रीन पर देख देख कर और साथ में मंत्र श्रवण करते हुए मंत्र को कष्टस्थ किया करिए, उससे शरीर में लक्षण भी उभर के आते हैं, मंत्र की शक्ति का भी पता चल जाता है और मंत्र के बारे में ये भी पता चल जाता है कि इस मंत्र को हम सिद्ध कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इतना कष्ट कर लिया करिए और मंत्र श्रवण करने के देखिए बहुत सारे फायदे होते हैं। यदि हम नकारात्मक ऊर्जाओं को शिकार होते हैं और मंत्र यदि लक्षण देने लगता है तो हमें पता चल जाता है कि इस मंत्र से हमारी बाधा का हरण हो जाएगा। और बहुत सारे व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो मंत्र श्रवण करने मात्र से ही उनकी बाधा का हरण हो जाता है, ठीक है। मंत्र बस असर करने की देर होती है और शरीर में, राशि गुण में, हमारे ब्लड में सूट करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर मंत्र हर व्यक्ति को सूट नहीं करता। जरूरी नहीं है कि हमने काली माता का मंत्र सिद्ध करके रखा है वो आपकी बाधा जो है काली माता के मंत्र से ही हट जाए। हो सकता है आपकी बाधा ऐसी प्रबल हो कि वो काली माता की भक्त हो सकती है, काली माता की तपस्वी हो सकती है, या कुछ और कारण हो सकता है, तो वो फिर काली माता के मंत्र की मर्यादा तो करती है लेकिन हट नहीं पाती। ऐसे में हमें थोड़ा सा अलग इष्टों के मंत्रों का भी प्रयोग कभी कभी करना पड़ जाता है। उदाहरण के लिए बरम प्रेत बहुत खतरनाक प्रयोग होता है, और कहा जाए तो बरम आधा प्रेत और आधा देव यानी उसकी होती है, आधा देव होता है, कहने का मतलब हमारा ही है। इस इष्ट के ऊपर जब भी हम कोई प्रबल मंत्र का प्रयोग करते हैं, उदाहरण के लिए हनुमान जी महाराज के मंत्रों का प्रयोग करते हैं, तो बरम देखिए उसके अंदर दैवी गुण भी होता है, वह हनुमान जी महाराज को तत्क्षण ही अपनी तपस्या से मना लेता है और हनुमान जी महाराज उसकी तपस्या के कारण, उसकी भक्ति के कारण वो भूल जाते हैं कि हमने किस कार्य से हनुमान जी महाराज को याद किया था। वो वरम की बात को याद कर लेते हैं और हमारी बात को अनसुनी कर देते हैं। ऐसे में हनुमान जी महाराज के मंत्र कई बार वरम प्रेत के ऊपर कार्य नहीं करते, ऐसा कई जगह देखा गया है, सब जगह नहीं, कई जगह देखा गया है। वो सिर्फ भक्ति का कारण है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि हनुमान जी प्रबल नहीं है, हनुमान जी सर्वशक्तिशाली है, इस कलयुग में हर प्रकार की बाधा का हरण करते हैं, लेकिन भक्त हम भी हैं और परम देव भी भक्त होते हैं और बड़े वाले भक्त होते हैं। हम तो हमारे मन के अंदर तो तरह तरह की विकृतियां आ जाती हैं, हम तो सच्ची श्रद्धा भी नहीं रख पाते, लेकिन वो तो देवयोनि में ही है, उनकी श्रद्धा और हमारी श्रद्धा में अंतर हो जाता है। हम सिर्फ दिखावे के लिए श्रद्धा रखते हैं कि इतना कष्ट कर रहे हैं, दिन रात भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जहाँ कष्ट हुआ, थोड़ा सा हमारा कुछ दर्द पैदा हुआ, अरे भूत फिर से आ गया, मतलब वहीं श्रद्धा टूट गई। आपको आपके भगवान पर ही श्रद्धा नहीं बची है। जब आपको श्रद्धा और विश्वास है भगवान के ऊपर, तो ऐसा आपको मन में विचार ही नहीं लाना चाहिए। दर्द हुआ है कुछ, या तो हमने त्रुटि की होगी, कुछ कारण होगा, कोई बीमारी आई होगी, पिछले जन्म का कर्म भी हो सकता है जिसके कारण हमें दर्द और कष्ट हो रहा है, लेकिन भगवान के ऊपर से विश्वास उठाना ये गलत बात है। जहाँ भगवान के ऊपर से आप विश्वास उठा लेते हैं और सोचने लगते हैं नहीं भूत आ गया, प्रेत आ गया, किसी ने टोना करवा दिया, हमको कष्ट फिर से हो गया, अरे जब आपको भगवान के ऊपर विश्वास है तो भगवान आपके ऊपर कष्ट आने देंगे। हाँ, अब देखिए दर्द शरीर, इस कराल काल कलयुग में तरह तरह की बीमारियां हैं, तरह तरह का खाते पीते हैं, उल्टा सीधा खाते भी हैं और तरह तरह की विकृतियां हैं। हो सकता है पिछले जन्म के भी कुछ कर्म ऐसे बिगड़े हों कि जिसके कारण हमें इस जन्म में भी कष्ट भोगना पड़ता है, ऐसा देखा जाता है, ठीक है। पिछले जन्मों के कर्मों के कारण भी इस जन्म में प्रेत बाधा हो जाती है, लेकिन यदि आपका विश्वास अटल है भगवान के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, तो फिर आपके कष्ट कम हो जाते हैं और धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यही देखिए परीक्षा की घड़ी भी मानी जाती है। चलिए मंत्र को ध्यान से सुनिए।
ओम कालिका माई काल रूपणी महाकाली कालिका माई कल कल करे काली को खप्पर जगे जहां को भेजू वहां को जाए छाती बैठ करे जा खाए रक्त को करे आहार भूत मार प्रेत मार डायन मार डाकनी मार साकनी मार पिशाचनी मार मरघट मशान मार धरती गार दुष्ट को गुण मार दुष्ट गुनी को मार बैरी की आवरदा खा बल खा बुद्धि खा नरक में डार शत्रु का कर संघार खंडित कर दंडित कर तब सच्ची माई कालिका कहा है जब कालिका चले धारा कांपे आकाश कांपे हाथ में हंडी शमशान में बास काली रहे हमारे साथ दुहाई महाकाल की दुहाई महादेव की और ब्रह्म काली महाकाली की लिखली फट स्वाहा। ओम कालिका माई काल रोपणी महाकाली कालिका माई कल कल करे काली को खप्पर जगे जहां को भेजू वहां को जाए छाती बैठ करे जा खाए रक्त को करे आहार भूत मार प्रेत मार डायन मार डाकनी मार साकनी मार पिशाचनी मार मरघट मशान मार धरती गार दुष्ट को गुण मार दुष्ट गुनी को मार बैरी की आवरदा खा बल खा बुद्धि का नरक में डाल शत्रु का कर संहार खंडित कर दंडित कर तब सच्ची माई कालिका कहा है जब कालिका चले धरा कांपे आकाश कांपे हाथ में हंडी शमशान में बास काली रहे हमारे साथ दुहाई महाकाल के दुहाई महादेव के ओम राम काली महाकाली तिलकली फट स्वाहा। इस तरह का मंत्र है और इसकी सिद्धि विधि बहुत ही आसान है। बाजार से एक खप्पर ले आइए यानी कोरा वाला खाली वाला घड़ा नया वाला उसको काट के एक बढ़िया से खप्पर बना लीजिए और खप्पर बनाने के बाद अपने घर में माता काली का एक चित्र स्थापित कर लीजिए। माता काली का विधिवत पूजन करिए खप्पर के अंदर संविदा डाल के उसमें अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए और इसके बाद अपने आसन पर बैठ जाइए। ध्यान दीजिएगा संविदा जो है नीम की लकड़ी की होनी चाहिए या फिर साधारण आप नारियल का जूट इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ी बहुत उसमें नीम की लकड़ी जरूर उपयोग करिएगा। खप्पर जलाने के बाद सर्वप्रथम माता काली का स्नान कराइए धूप दीप नैवेद्य तिलक इत्र इत्यादि चीजें माता को अर्पण करिए। इसके बाद माता का श्रृंगार भी अर्पण करिए और माता को काले रंग की चुनरी अवश्य प्रयोग करिए। इस बार हर बार माता काली को हमने लाल वाली चुनरी प्रयोग करने के लिए कहा था लेकिन इस मंत्र में पता नहीं गुरु जी ने क्यों ऐसा लिखा है कि इसमें काली चुनरी माता जी को अर्पण करनी है तो आप भी माता काली को काली चुनरी ही अर्पण करिएगा। इसके बाद माता काली के सामने आसन डालकर आप बैठ जाइए खप्पर में आग अपनी प्रज्वलित कीजिए माला का पूजन करिएगा खप्पर का भी पूजन करिएगा आसन का पूजन करिएगा साधारण विधि से जो हमने माता की पूजा करने के लिए बताई वही विधि से आसन का स्नान फिर ध्यान फिर उसका तिलक और नैवेद्य भोग दीप माला का भी सेम खप्पर का भी सेम 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 विधि से आपको पूजन करना साधारण विधि से जो आप नित्य प्रतिदिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं अपनी उसमें उल्टा सीधा मंत्रों की आवश्यकता नहीं है साधारण पूजा एकदम करिएगा। इसके बाद माता काली का ध्यान करिएगा और घी अपने हाथ में लेते हुए चम्मच के सहारे भी लेते हुए माता काली का ध्यान करते हुए ओम ओम काली महाकाली किल किल फट स्वाहा इस तरह आहुतियाँ कम से कम इक्कीस आहुतियाँ अपने खप्पर में डाल दीजिएगा। इसके बाद माला अपने हाथ में उठाइएगा और एक दीपक जरूर जला लीजिएगा और दीपक का भी पूजन करिएगा और इसके बाद अपनी माला उठाइएगा। माला उठाने के बाद आंखें बंद करिएगा माता काली का ध्यान करिएगा। ध्यान दीजिएगा मंत्र पहले से आपको कंठस्थ होना चाहिए और मंत्र में त्रुटि नहीं होनी चाहिए ठीक है इस बात का आपको ध्यान देना है। माला आपको 11 माला सीधी सीधी जप करनी है और 11 माला जप करने के बाद एक माला शुद्ध खप्पर में आपको हवन कर देना है। हवन होने के बाद माता काली को प्रसाद लगाना है। प्रसाद में क्या लगाना है मीठी वाली पूरी माता को अर्पण करनी है नारियल अर्पण करना है और इसके बाद जो भी नैवेद्य आपके यहाँ बना हो वो भी आप अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो बाजार से कुछ मिठाई वगैरह भी माता को अर्पण कर दीजिए बहुत अच्छा रहेगा ठीक है। इसके बाद एक पात्र लेना है छोटा पात्र मिट्टी का पात्र जो कच्ची मिट्टी का बनता है कुम्हारों के यहाँ मिल जाता है नहीं बाजार में भी पूजा पाठ की दुकानों में मिल जाता है उसको माता काली के दाहिने तरफ आप स्थापित कर दीजिए। देशी मदरा महुआ की रहती है वो माता को उसी पात्र में आप अर्पण करिए इसी मंत्र का पाठन करते हुए और इतना करने से ही आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसमें अब ज़्यादा बाल बवाल की जरूरत नहीं होती है। और हाँ ध्यान दीजिएगा मंत्र सिद्ध करने से पहले आपके पास सुरक्षा कवच होना बहुत जरूरी है। जो भी इस मंत्र की साधना करने वाला है तो सुरक्षा कवच जरूर धारण करें खासकर नारसिंह सुरक्षा कवच अघोर सुरक्षा कवच ऐसे सुरक्षा कवच आप अपने गले में जरूर धारण करिए और शरीर का बंधन भी करिएगा। बंधन मंत्र हमने उपलब्ध करा रखे हैं तो आप वीडियो देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएंगे ठीक है। ये सारी चीज़ देखिए कोई भी मंत्र हो हमेशा जरूरी नहीं है कि वह मंत्र आप सही पहली बार कर रहे हैं तो विधि सही कर पाएं। कई बार
सिर्फ त्रुटियाँ हो जाती हैं, गलती हो जाती हैं। तो हम बुला तो रहे हैं सकारात्मक शक्ति को, सकारात्मक ऊर्जा को, लेकिन जब मंत्र में त्रुटि होती है, गलती होती है, तो सकारात्मक ऊर्जा ना आके नकारात्मक ऊर्जा भी आ जाती है, क्योंकि माता काली के साथ जितनी सकारात्मक ऊर्जा है, जितनी उच्च ऊर्जा है, उतनी नकारात्मक ऊर्जा भी उनके साथ वहन करती है। उदाहरण के लिए डाकनी, साकनी, अच्छे तमाम प्रकार की जोगनियाँ होती हैं, ये माता काली की गण भी मानी जाती हैं। तो जितनी हमने बताया कि सकारात्मक ऊर्जा माता काली देती हैं, उतनी उनके आगे पीछे नकारात्मक ऊर्जा भी चलती है। तो कई बार जब हम मंत्र में त्रुटि करते हैं, विधि विधान में त्रुटि करते हैं, तो माता काली तो वहाँ नहीं आ पाती, लेकिन उनकी नकारात्मक शक्तियाँ आपके सामने जरूर आ जाती हैं, जिससे आपको कष्ट का सामना झेलना पड़ सकता है। चलिए उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए हो, मंत्र का प्रयोग समझते हैं। मंत्र इसका भूत पे झाड़ने में, डाकनी, साकनी, पिशाचिनी, तमाम प्रकार की मशान की बाधा को झाड़ने में इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसका प्रयोग करना भी बहुत आसान है, हमेशा इस मंत्र का नींबू के साथ और मदिरा के साथ झाड़े में प्रयोग किया जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप सात्विक व्यक्ति हैं तो मदिरा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मदिरा का इस्तेमाल किया जाता है, आपको पान नहीं करना है। माता काली ने मदिरा उस समय पान करी थी जब रक्त बीज का वो खून पान कर रही थी, उस समय उन्होंने मद का पान किया था। ये नहीं है कि हमेशा माता रक्त का पान करती हैं और हमेशा मदिरा का पान करती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो नियम है, गुरु जी ने बता रखे हैं, तो हमें पालन करना पड़ता है। और पुराने लोगों ने जो नियम बनाए हैं तो उनके हिसाब से ही मंत्र हमें साधना करनी पड़ती है। तो मदिरा चढ़ाना अनिवार्य है, लेकिन वो उसका प्रसाद लेना आपको अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप वह प्रसाद लें, ठीक है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, तो माता काली का यह मंत्र आप नींबू के सहारे झाड़े में प्रयोग कर सकते हैं, मदिरा के साथ भी यह प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना मदिरा जो है शुद्ध देशी होनी चाहिए और शुद्ध महुआ की होनी चाहिए, अंग्रेजी मदिराएं प्रयोग नहीं करना होता, ठीक है। तो नींबू अपने हाथ में ले लीजिए, इसके अलावा आप नीम की डंडा ही रविवार के दिन तोड़कर उसके सामने 108 बार ओम ह्रौम काली महाकाली किलकिली फट स्वाहा ऐसा मंत्र जापन करते हुए उस नीम के डंडे के ऊपर मौली धागा 108 बार एक बांधते हुए इस तरह लपेड़िएगा, 108 बार आपका लपेड़न होना चाहिए, और लास्ट में आप गांठ लगा दीजिएगा और 108 बार यही मंत्र आप जापन कर दीजिएगा, ओम ह्रौम काली महाकाली किलकिली फट स्वाहा। अच्छा डंडा होता है, उसको लोभान, धूप दीप इत्यादि चीज़ें दिखाइएगा, लोभान की धुनी दीजिएगा, उस डंडे से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं, बड़ा तगड़ा झाड़ा लगता है, ऐसा झाड़ा लगता है समझ लो भूत प्रेत शक्तियाँ, डाकनी साकनी, डायन साच मसान जैसी शक्तियाँ झाड़ा लगाने के साथ ही वहाँ से छूमंतर हो जाती हैं। मतलब ये परीक्षण किया हुआ प्रयोग है, आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप नहीं बना पाते तो नींबू लीजिए, यह मंत्र का पाठन करिए, नींबू को 7 बार उतार दीजिए और उस नींबू 4 टुकड़े करिए और चारों दिशाओं से अलग अलग फेंट दीजिए, थोड़ी सी अग्नि जलाइए गौ के गोबर के कंडे में और माता काली के नाम का इसी जो मंत्र है इसकी यही मंत्र पढ़ते हुए लाल मिर्ची डंठल वाली लीजिए, सिंगल मिर्ची, और उसके सिर के ऊपर से उतारिए इस तरह, और इसी मंत्र का पाठन करते हुए अग्नि में वो मिर्ची डालते जाइए, ऐसे 7 बार आप कर सकते हैं। इतना झाड़ा देखिए बहुत हो जाता है भूत प्रेत डाकनी साकनी मरी मशान को हटाने के लिए, इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं। हाँ, कई बार इस मंत्र का जब आप पाठन करते हैं तो कई बार सवारी आती है और सवारी धोखे से आ जाती है, तो आपको क्या करना है, एक नींबू फिर से लेना है और उसके ऊपर उल्टा उतारना है, इस तरह उतार देना है, नींबू को बीच से काटना है, थोड़े से उसके बाल काट लेना है, एक नाखून काट लेना है और उस नींबू के बीच में डालकर उसे काले कपड़े में बांध कर किसी शमशान वाले स्थान पर आपको उसे दफना देना है। और ध्यान दीजिएगा जब आप दफनाएं तो उसे इतना गहरा आप दफनाएं कि आसानी से वह निकल ना पाए। तो समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार की प्रेतक बाधा हो, चलाई गई बाधा हो, मरण हो, मूर्ख हो, ये सारी चीज़ें भी इस मंत्र से कट जाती हैं। हाँ, इस मंत्र का शत्रु नाश में विशेष प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह शत्रु की आवरदा खाने वाला मंत्र भी जाना जाता है। उसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे, इंतजार करिए, सिर्फ 2 ही दिन लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, और उसका वीडियो की जो विधि विधान है वो हम आपको अलग से बताएंगे। ये सिर्फ हमने झाड़ा को लिए मंत्र सिद्ध करने की आपको विधि बता दी, लेकिन मंत्र आपको इसी विधि से करना होगा, सिर्फ प्रयोग इस मंत्र के बदल जाएंगे, जिससे शत्रु की उम्र खाली जाती है और शत्रु अपने जीवन में रोगी हो जाता है और उसकी आयु दिन प्रतिदिन घटने लगती है, दिन प्रतिदिन घटने लगती है, ना तो वह खा पाता है, ना पी पाता है, ना चैन से सो पाता है, सिर्फ कष्ट ही कष्ट उसके जीवन में भर जाता है। लेकिन ऐसे प्रयोग को समझ के करनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसे प्रयोग आप करते हैं तो कुछ दंड तो उसे भोगना ही पड़ता है, बाकी कुछ % दंड आपको भी उसी क्षण मिल जाता है या भोगना शुरू हो जाता है। तो इन बातों का आप ध्यान दीजिएगा, तो इंतजार करिएगा, इसके वीडियो हम जल्दी बना देंगे। कई लोग कहते हैं ना कि आप वीडियो बनाने में टाइम लेते हैं, तो अभी हमारे जो कैमरा मैन वगैरह हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं,
वो सब अभी वो छुट्टी में है, तो जल्दी आने वाले हैं, तो जल्दी से हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उसके विषय में और आपको जरूर देंगे। अधिक जानकारी के लिए भैया टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा और फोन नंबर है वहाँ, तो आप फोन नंबर संपर्क कर लीजिएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।